माँ गंगा पहाड़ों से उतरने के बाद थकान मिटाती हुई शांत होकर आगे बढ़ती है। यहाँ घाटों पर मुस्कुराती है। पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। विशाल विंध्याचल पर्वत श्रृंखला विंध्याचल उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में है। इसी विंध्याचल पर्वत पर निवास है आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी का। मान्यता है कि विंध्य क्षेत्र सृष्टि के आरंभ होने से पहले भी था और प्रलय आ जाने के बाद भी ऐसे ही बरकरार रहेगा। ये शक्तिपीठ मिर्जापुर शहर से 8 किलोमीटर दूर है। विंध्य पर्वत के त्रिकोण पर विंध्याचल निवासिनी देवी महालक्ष्मी महाकाली और महासरस्वती के रूप में पूजी जाती है। सबसे पहले आप काली खो मंदिर में माता के काली रूप का दर्शन करेंगे। यहाँ माँ काली ने देवासुर संग्राम के समय ब्रह्मा विष्णु और महेश के कहने पर रक्त बीज राक्षस का वध किया था। यह देवी का वो धाम है जहाँ सिद्ध वैरागी योगी और गृहस्थ सभी की मनोकामना पूरी होती है। तंत्र साधना के लिए इस मंदिर का अत्यंत महत्व है। काली खो में स्थित महाकाली खेचरी मुद्रा में है। यहाँ देवी उग्र स्वरूप में विद्यमान है। त्रिकोण पर्वत पर देवी इच्छा क्रिया और ज्ञान के स्वरूप में विराजित है। विंध्यवासिनी देवी इच्छा की पूर्ति करती है। माँ काली क्रिया की देवी है और माँ अष्टभुजा ज्ञान की देवी है। अब माँ अष्टभुजा के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। माँ अष्टभुजा मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। देवी को पहाड़ हमेशा प्रिय रहे हैं। विंध्याचल पर्वत की यह श्रृंखला मनमोहन और सौंदर्य से भरी हुई है। यह पर्वत माँ की दिव्य शक्ति के कारण और भी समृद्ध और आकर्षक लगता है। इसकी सुंदरता इस दिव्य वातावरण से कई गुना बढ़ जाती है। माँ विंध्यवासिनी मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर माँ अष्टभुजा का मंदिर स्थित है। अष्टभुजा मंदिर आप पैदल या रोपवे से जा सकते हैं। यहाँ मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ सीता कुंड गेरुआ और मोतिया तीन पवित्र तालाबों को भी देख सकते हैं। आध्यात्मिक वातावरण एवं मनोरम दृश्यों के कारण यह मंदिर भक्तों और पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। कंस ने मृत्यु के डर से अपनी बहन देवकी को कैद कर लिया था। कारागार में देवकी की कोख से माँ अष्टभुजा जन्म लेती हैं। कंस जैसे ही देवी को मारने के लिए उठता है, वो हाथों से छूटकर विंध्याचल पहाड़ी पर विराजमान हो जाती हैं। माँ के दर्शन पाने के लिए मंदिर की गर्भगृह गुफा में प्रवेश करना पड़ता है। माँ सरस्वती के रूप में स्थित माँ अष्टभुजा के दर्शन के लिए लाखों भक्त आते हैं। इस अलौकिक मंदिर के आसपास की जगह भी अलौकिक है। यह भी एक रहस्यमय बात है कि यहाँ बहने वाली पावन गंगा पर्वत के ऊपर से बहती है। गंगा की पूरी यात्रा में ऐसा दर्शन दुर्लभ है। गंगा यहाँ से भगवती के चरण धोकर बाबा काशीनाथ की तरफ जाती है और उनका अभिषेक करती है। यह एक तरह से शिव और शक्ति का मिलन होता है। विंध्याचल में गंगा के घाट अलग ही ऊर्जा से भर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं घाटों में घाट गंगा के घाट। इन घाटों के किनारे बेहद सुकून और सुंदरता है। माँ काली और अष्टभुजा सरस्वती के बाद अब आगे बढ़ते हुए दर्शन करते हैं माँ विंध्यवासिनी के। यह देवी इच्छा की देवी है जो भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। मंदिर में पहुंचकर आप ऐसी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे जो आपके रोम रोम को छू जाएगी। यहाँ हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है, मगर नवरात्रि पर्व के दौरान यहाँ दर्शन के लिए पंक्ति में घंटों इंतजार करना पड़ता है। सभी शक्ति पीठों में मात्र यही वह मंदिर है जहाँ देवी आदि शक्ति सर्वांगीण है। बाकी सभी शक्ति पीठों में देवी के अंगों की पूजा होती है,
यहाँ देवी सभी अंगों के साथ पूर्ण रूप में पूजी जाती है। यहाँ शक्ति के साथ साथ शिव की भी पूजा की जाती है। मान्यता है राजा महाराजा युद्ध में जीत पाने के लिए यहाँ देवी की पूजा करते थे। विंध्य पर्वत पर बसे इस त्रिकोण धाम के दर्शन से भक्तों के कष्ट तो दूर होते ही हैं, पर्यटकों को भी यह जगह बहुत लुभाती है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आपको अपनी ओर खींचता है।